नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कानून की जानकारी सबसे ज़्यादा जो पुलिसकर्मी होते हैं उनको होती है, पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी जुडिशरी होती है उनको तो खैर होती है, लेकिन क्राइम कैसे करना है और फिर उसको कैसे छिपाना है, ये सब चीज़ें एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस कर्मचारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं जिसको पहले कहा जा रहा था कि स्वीटी पटेल गायब हो गई है, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल सामने आया है वो उसी के पति का रोल सामने आया है। लगभग पिछले 50 दिनों से भी ज़्यादा वक्त से स्वीटी गायब थी, और जब वो कहीं नहीं मिली तो स्वीटी के भाई को पुलिस में जाना पड़ता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वीटी और उसके साथ जो लिविंग में रह रहे थे अजय देसाई, वो कैसे मिलते हैं। दरअसल स्वीटी की शादी होती है और स्वीटी अपने पति के साथ विदेश में सेटल हो जाती है। वहाँ उसको एक बेटा होता है और उसके बाद अपने पति से उसकी पटती नहीं है, यूँ कहिए कि ठीक से निभती नहीं है, और वो वहाँ से वापस आ जाती है। बेटा अपने पिता के पास ही रह जाता है और स्वीटी यहाँ आ जाती है बड़ोदरा में, गुजरात में, और अकेली होती है और उसको एक साथी की तलाश भी होती है। तो वैसे ही एक दिन पार्टी में उसकी मुलाकात होती है अजय देसाई से, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, और उनकी पहले दोस्ती होती है, फिर उनमें प्यार होता है, और उसके बाद फिर वो एक दिन मंदिर में जा कर के, उनके साथ कोई नहीं होता, मंदिर में जा कर के एक दूसरे को माला पहनाते हैं और पति पत्नी की तरह वो रहने लग जाते हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो लिव इन में रह रहे थे, और अचानक से स्वीटी गायब हो जाती है, और बाकायदा अजय देसाई जो है उसके भाई को बताते हैं कि स्वीटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। अचानक से वो रात में हम दोनों में झगड़ा होता है और स्वीटी घर छोड़ के चली जाती है। भाई भी भागा भागा आता है और दोनों लोग काफ़ी खोजबीन करते हैं, लेकिन अचानक से उसके भाई को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अजय देसाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, और वो उसको रोकते भी हैं कि पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस तो मैं हूँ ही, मैं खुद अपने स्तर से जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ अपने तरीके से। और खैर, जब 50 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो आखिरकार अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच हरकत में आती है और वो उनको एक ही नज़र में अजय देसाई पे शक जाता है। शक क्यों जाता है? जिस जगह पे स्वीटी का मर्डर होता है उस जगह पे अजय देसाई के लोकेशन पाई जाती है, और वो लोकेशन होती है जून के महीने की। इससे ज़्यादा उनको विश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस स्वीटी के गायब होने के पीछे अजय देसाई का ही हाथ है, क्योंकि तब तक बॉडी मिली नहीं होती है। और एक चीज़ और भी है, स्वीटी और अजय पटेल के बीच काफ़ी झगड़े होते रहते हैं। एक जो गौर करने लायक बात है वो ये है कि जब उसकी शादी, ये जो उन दोनों के सहमति से शादी होती है, लिव इन में वो रह रहे होते हैं और उनको एक बेटा भी होता है,
स्वीटी देसाई को और अजय देसाई को। इसी बीच अजय देसाई की शादी अपने माता पिता की सहमति से एक लड़की से हो जाती है। बहुत दिनों तक स्वीटी को पता नहीं चलता, लेकिन ऐसी बातें छिपानी भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती, क्योंकि दिन बढ़ जाते हैं, फिर हफ्ते बढ़ जाते हैं। तो एक दिन स्वीटी को ये पता चल जाता है कि इसकी शादी हुई हुई है। उस दिन से स्वीटी का दिमाग गर्म हो जाता है और वो उससे बार बार झगड़ा करती है, और आखिर में एक दिन वो बहुत गुस्से में होती है। वो उसके सामने एक ऑप्शन रखती है कि आपको या तो मुझे चुनना होगा, मैंने स्वीटी को चुनना होगा, या तो जो आपके परिवार की सहमति से जो आपने शादी की है आपको उसको चुनना होगा। अब अजय देसाई दिमाग लगाता है, पुलिस में होता है। पुलिस के जो मैंने पहले शुरुआत में ही कहा कि पुलिस के जो ऑफिसर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको पता होता है। इवन जो उनका सबसे लोअर लेवल का जो कर्मचारी होता है उसको भी ये पता होता है कि किस तरीके से क्राइम को छिपाया जाता है, किस तरीके से क्राइम किया जाता है, क्योंकि वो आए दिन ऐसी घटनाओं से रूबरू होते रहते हैं। और जब फिर क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में आ जाती है, कंप्लेन हो जाती है, उसके बाद ये बात खुल के आती है कि जो स्वीटी के साथ गला दबा के उसकी हत्या की गई है, और ये हत्या जो है उसके पति यानी कि अजय देसाई ने की है। अब सिलसिलेवार अगर मैं आपको ये वाली बात बताऊं, तो स्वीटी और अजय पटेल के बीच में आए दिन झगड़े होते रहते थे। किस लिए? क्योंकि उसने शादी करवा ली थी, वो शादी उसकी जायज शादी थी, लेकिन ये जो शादी है ये अपने आप से ही नाजायज हो गई, क्योंकि उसने अपने माता पिता की मर्जी से शादी उसने कर ली थी, और ये वो लिविंग में रह रहा था स्वीटी के साथ। आए दिन उनके झगड़े होते थे, और जब स्वीटी ने ये ऑप्शन दिया कि आपको एक को चुनना होगा, तो उसने सोचा कि अगर मैं परिवार के जो पसंद से लड़की है उसको अगर मैं छोड़ता हूँ, तो मुझको जो वहाँ से दहेज मिला है 25 लाख का, वो भी लौटाना होगा, बेइज्जती होगी माता पिता की सो अलग से, और चूंकि वो उसकी एक ऑफिशियल मैरिज थी, इससे उसके नौकरी पे भी खतरा आ सकता था। इस तरीके से उसे लगा कि स्वीटी को अगर मैं मारता हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसने इसके लिए बाकायदा एक प्लान भी किया, और वहाँ पे कांग्रेस के एक रसूखदार नेता हैं, उनके साथ मिल करके उसने एक प्लानिंग बनाता है। वो ये जो कांग्रेस के नेता होते हैं उनका एक होटल अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, और वो पहले ही ये बात कर लेता है कि मैं जब उसको मारूंगा तो आपके होटल में ही आगे पीछे कहीं उसको लाश को या तो जला दूंगा, या तो मैं उसको कुछ किसी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब ये प्लानिंग के तहत स्वीटी का मर्डर होना था, लेकिन अचानक से स्वीटी जिस दिन अजय देसाई उसके पास आते हैं तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है, और इसी लड़ाई में अजय को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसका गला दबा देता है। स्वीटी का 2 साल का बेटा भी होता है, और अब उसके सामने ये होता है कि मैंने प्लानिंग के हिसाब से तो इसका मर्डर नहीं किया है, लेकिन जो प्लानिंग है मैं उसी को अप्लाई करता हूँ। तो लाश को वो रफा दफा करता है, अपनी गाड़ी में उसको ले जाता है, और गाड़ी का जो बैक साइड होता है वो घर के दरवाजे की तरफ रखता है ताकि किसी को ज़्यादा शक भी ना हो। लाश को वो कंबल में डाल करके गाड़ी में डाल देता है, और उसके बाद वो उसको ले जा करके 2-3 दिन तक तो ऐसे ही कहीं खड़ी करके रखता है, लेकिन बाद में वो वहीं होटल के मालिक के साथ मिल करके उस लाश को जला देता है। और अजय पटेल ने देखिए खुद स्वीटी पटेल की गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज कराई थी। हालांकि इतने दिनों तक स्वीटी पटेल की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद
पुलिस का शक जो है इंस्पेक्टर पे और भी मजबूत हो जाता है। और जब फिर इस मामले की जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपी गई तो क्राइम ब्रांच ने नार्को टेस्ट करना चाहा, लेकिन अजय ने इसके लिए मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जब उसने ये मना किया तो उसके बाद पुलिस का शक और भी ज़्यादा पुख्ता हो गया और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। पुलिस ने जब उसके घर घर की फॉरेंसिक जांच की तो अंदर वहाँ घर के अंदर ब्लड के स्पॉट मिलते हैं। और उसके बाद जहाँ पे स्वीटी की लाश जलाई गई थी वहाँ फिर हड्डी के सैंपल लिए जाते हैं, और जो स्वीटी का जो बेटा होता है उसके डीएनए के साथ उन हड्डियों के सैंपल लिए जाते हैं और वो मैच हो जाते हैं। और इसमें जो कांग्रेस के नेता हैं वो है क्रीट जडेजा, पाकिस्तानी नेता हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में उनकी मदद की। तो जब अरेस्टिंग होती है अजय देसाई की तो साथ में उनकी भी अरेस्टिंग होती है, क्योंकि गुनहे में वो भी पूरे शामिल थे। और इस तरीके से दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो स्वीटी की शादी होती है अजय देसाई के साथ वो होती है 2016 को, और ये स्वीटी की दूसरी शादी थी जैसा कि मैंने आपको बताया। उधर जब स्वीटी का जो हस्बैंड और उसके एक और बेटा जो पहले उनके पति होते हैं उनसे जो बेटा होता है, वो बेटा भी सोशल मीडिया पे स्वीटी की गुमशुदगी को लेकर के काफ़ी पोस्ट अपडेट करता है, तो उससे सबका ध्यान जाता है उस तरफ। और ये जो दूसरी शादी होती है इसमें स्वीटी अपनी जान गंवा देती है, क्योंकि आप देखिए किसी भी औरत को ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसका पति कोई और बांटे। और यहाँ तो उसके साथ पहले तो शादी हुई मंदिर में जिसका किसी को पता नहीं होता, और उसके बाद वो एक अपने माता पिता की मर्जी से धूमधाम से शादी करता है जिसका के स्वीटी को पता नहीं चलता, और उसको काफ़ी दिन के बाद पता चलता है। और जब फिर पूछताछ होती है तो अजय देसाई पूरे अपराध को कबूल करते हैं और स्वीटी जो है के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी पुलिस के सामने वो बता देते हैं। और वही बताता है कि मैंने स्वीटी को गला घोट करके मार दिया था। तो इस तरीके से एक जो प्रेम कहानी थी उसका अंत भी हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अजय देसाई बहुत शातिर इंस्पेक्टर थे, लेकिन अपनी पत्नी को मार करके वो अपना गुनाह छिपा नहीं सके, और इस समय वो जेल के सलाखों के पीछे है। मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी कोई ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।